2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में भेजा है। हमारे साथ शामली सदर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कैराना सीट पर सपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, आप लोग सपा को छोड़ चुके हैं, क्या रणनीति? नहीं, बिल्कुल, मैंने भी सुना है कि सपा ने कैराना से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं। और जो रणनीति हमारी होगी, अभी ये तो शोर है लगभग कि आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी इंडिया गठबंधन में और राष्ट्रीय लोकदल नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक ऑथेंटिक घोषणा एनडीए गठबंधन की नहीं हुई है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये घोषणा होने वाली है। और जिस टाइप से राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, हम उस लाइन पर रहकर और यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी को, चाहे वो कोई भी हो, उसे जिताने का प्रयास करें। क्या मानते हैं आप इकरा को लेकर के, क्या सोचते हैं आप, क्योंकि इकरा का राजनीतिक करियर की शुरुआत होने जा रही है, अखिलेश यादव ने सबसे पहला दाव इकरा पर खेला है। नहीं, ठीक है, बढ़िया है, मेहनती लड़की है और सोबर बोलती है, अच्छा बोलती है, सॉफ्ट बोलती है, भाषा अच्छी है और सबके अपने भाग्य होते हैं। अब उसको पहली दफा टिकट मिला है तो अपने भाग्य की उसका फैसला है, लेकिन जो हालात हैं, इस टाइम स्थिति है, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं जा रही। बल्कि हाल तो ये कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का बहुत बड़ा जनाधार है। पिछला इतिहास यदि हम उठा के देखें तो राष्ट्रीय लोकदल जिस ओर समर्थन करता है और उसके उम्मीदवार जिस गठबंधन से लड़ते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पहले चुनाव रहे हो, वो गठबंधन विजयी होता। आप क्या देख रहे हो कैराना सीट पर, जिस तरह से, चलो इकरा आ गई उधर से, अभी ये सीट किसके पाले में जाएगी, आपको क्या उम्मीद है, क्या राष्ट्रीय लोकदल पर रहेगी या बीजेपी पर? देखो, ये राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसले लेने हैं और उनकी क्या राय मशविरा इस विषय पर बनेगी मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं और जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी लगे हुए हैं। उनका जो भी निर्देश होगा, हम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के सिपाही हैं, हम अपने वर्क को उनके निर्देश के अनुसार ऐसे ही करेंगे। और यहाँ हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल मजबूत रहा है, मजबूत है, मजबूत होगा और जिधर राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन होगा, वो गठबंधन, जैसे कि अभी कहा जा रहा है एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन बनने जा रहा है, ऑथेंटिक घोषणा जब होगी सही रूप से तो मैं भी तभी कह पाऊंगा, तो यहाँ मजबूत रहे। अच्छा, जाट और मुस्लिम के जो भाईचारे की बात आती है, अब पता चल रहा है कि जो मुस्लिम है वो राष्ट्रीय लोकदल से छटक गया है, जब से जयंत का जो है बीजेपी में गठबंधन की जो चर्चाएं है ये चली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं अभी आपको बताया, हम अपने सिद्धांतों से कोई फैसला नहीं करेंगे। हमारा एजेंडा है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो विचारधारा है, किसानों की जो विचारधारा है उसे मजबूत करना है और यहां भाईचारा स्थापित करना है, चाहे वो हमारा कोई युवा हो, चाहे कोई मजदूर हो और चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से हो, हमें उसे इंसाफ दिलाना है। अब तक हम सरकार की आलोचना करते थे विपक्ष में बैठकर, अब हम इस किसान विचारधारा को और जो यहां भाईचारा स्थापित स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी करके गए थे, इस विचारधारा को ताकत देने के लिए सरकार के अंदर रहकर प्रयास करें। जाटों में भी दो फाड़ होती नजर आ रही, कुछ लोग इस गठबंधन से खुश है, कुछ लोग नाराज है, क्योंकि किसान बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है, पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने की राजनीति है,
गन्ना भुगतान बड़ी समस्या किसानों की है। तो ऐसे में जो किसान बीजेपी के विरोध में रहते थे, राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़कर चलते थे, वो नाराज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब अभी चुनाव में पता भी चल जाएगा। और मैं भी गांव में जा रहा हूँ, यहाँ का जो किसान है उसका एक ही एजेंडा है और सब चाहते हैं कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा मजबूत हो, यहाँ किसान मजबूत हो और हमारा नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी मजबूत। वो अपने नेता को मजबूत चाहते हैं, जब नेता मजबूत होगा तो उसकी विचारधारा मजबूत होगी और वो लड़ाई, किसानों की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई को अच्छी तरीके से सरकार में रहकर कर पाएगा। एक उदाहरण है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी 1952 से लेकर और 1970 तक, मैं समझता हूं जो मेरी नॉलेज में है, लगातार 18 साल सरकार में रहे और एक किसान गरीब परिवार में जन्म लेकर के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार बने और उन्होंने इस किसान बिरादरी के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, उत्कृष्ट कार्य किए, ऐतिहासिक कार्य किए और जिसकी वजह से आज यहाँ किसान जिंदा है। तो मेरा ये मानना है कि यदि हमें किसानों के कार्य करने हैं, किसानों का उत्थान करना है, युवाओं को रोजगार दिलवाना है, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना है, तो हम सरकार में रह के उस कार्य को संपूर्ण करा सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जयंत चौधरी ने भरोसा तोड़ दिया, क्यों भरोसा तोड़ा? ये तो जनता बताएगी और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी बताएंगे भरोसा किसने तोड़ा है। मैं तो नेताओं का सम्मान करता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव भी सम्मानित हैं, वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं। पिछले सत्र में विधानसभा में उनका और हमारा गठबंधन था, हमने दोनों ने मिलकर बहुत प्रयास किया और उसमें हम कुछ सफल हुए, पूरे सफल तो नहीं हो पाए। तो नेताओं का सम्मान है, वो क्या कह रहे हैं वो उनकी आइडियोलॉजी है और उसका जवाब समय पर आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी देंगे। 26 तारीख को लखनऊ में बैठक होने जा रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर, आप लोग हिस्सा लेने जाएंगे राष्ट्रपति? हाँ, यदि हमारे नेता का निर्देश होगा हम जरूर जाएंगे, लेकिन मैं जो समझता हूँ हमारे 9 के 9 विधायक आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी में विश्वास जता चुके हैं और हम 9 के 9 एक साथ हैं, हमें बैठक की मीटिंग की जरूरत तो है नहीं, लेकिन कोई आवश्यकता पड़ेगी और निर्देश होगा तो हम बैठक भी करेंगे। औपचारिक ऐलान कब हो रहा है गठबंधन? अभी इसका मेरे पास ऑथेंटिक कोई न्यूज नहीं है, बहुत जल्दी होने वाला है। जयंत जी से लास्ट टाइम बात हुई, क्या बातचीत आप लोगों की, क्या भरोसा आप लोगों की? नहीं, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने हमारे से डिस्कशन किया और उन्होंने पूछा और सभी ने उनकी राय मशवरा करके सहमति जताई कि आप जो निर्णय लोगे उस निर्णय की सब सहमति करेंगे और जनता करेंगे। बीजेपी से क्या शर्तें तय हुई है? अभी इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, वो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ही बताएंगे और उसी के निर्देश, उन्हीं के निर्देश पर हम चलेंगे। बिल्कुल, ये थे शामली विधायक प्रसन्न चौधरी का कहना है कि जयंत जी जो निर्णय लेंगे उसी में हम सब लोगों की राय होगी। शामली से सोवी सालिन के साथ मैं रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार।